झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस और आरजेडी से चल रही है, जल्द ही गठबंधन की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वहीं जेएमएम 8 नवंबर को अपनी पहली सूची जारी कर देगी। जेएमएम 42 से ऊपर सीट पर चुनाव लड़ेगी। नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बिना पायलट का जहाज नहीं चल सकता, पायलट कौन होगा इसका पता जल्द चल जाएगा। वहीं जेवीएम सहित सभी विपक्षी दलों से हम बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया। वही कार्यकारिणी की बैठक में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि मौजूदा सब्जियों में विशेषकर प्याज की महंगाई से गरीब परेशान है, जो बीजेपी सरकार के दिन है। इस महंगाई के विरुद्ध पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। मौजूदा रघुवर भाजपा सरकार को हर हाल में सत्ता से बेदखल करना है, इसके लिए बेहतर समीकरण बनाने की आवश्यकता है। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का बात सर्वसम्मति से आया।